दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. इसमें बालाजी फार्म हाउस के सामने साकेत नगर की फर्स्ट गली में आज रोड का शिलान्यास किया है. इस रोड के निर्माण में विधायक कोष से 8 लाख रुपए की राशि व्यय की जानी है. यह रोड मैंने एक वर्ष पूर्व में हमारे तरुण भारद्वाज और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं रविंदर जी जादौन, दिलीप जी, मधु जी, महेश जी, इन सब लोगों ने आग्रह किया कि हमारी ये रोड, सिर्फ एक रोड अब बाकी बची है वार्ड में, तो इस रोड का भी कार्य कराया जाए. और उसको देखते हुए ये रोड का एस्टीमेट बनाया गया, विधायक कोष से स्वीकृति जारी कराई गई. लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खेद है कि एक वर्ष पहले स्वीकृत ये सड़क का एक अब शिलान्यास होने जा रहा है. पिछले एक वर्ष से बहुत सारी तकनीकी अड़चनों के कारण से प्रशासनिक स्तर पर इस रोड को रोक दिया गया था. विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से जब मैंने विधायक कोष की स्वीकृत राशि के भी कार्य नहीं होने की बात उठाई, तब जाकर के सरकार के ये संज्ञान में आई और अब ये रोड का शिलान्यास होने जा रहा है. वर्षा से पूर्व इस रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा. सीसी की ये सड़क बनने वाली है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी सड़क बनेगी, अच्छी क्वालिटी की बनेगी. मेरा क्षेत्रवासियों से ये आग्रह है कि अनेकों बार हम पानी के कनेक्शन के लिए, घर में कोई कार्यक्रम है तो टेंट लगाने के लिए सड़क को बिना सोचे समझे खोद देते हैं. एक बार यदि सड़क में कहीं गड्ढा बना तो वही गड्ढा जो है वो सड़क को क्षतिग्रस्त करता चला जाता है. तो ये नई रोड बनेगी, सीसी की रोड बनेगी, इसलिए लगातार जितनी 8 लाख रुपए की लागत से ये बन रही है तो कम से कम 10 साल तक इस सड़क में से एक भी कंकर ना निकले, ऐसी देखभाल क्षेत्र के लोगों को करनी होगी. क्योंकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके यहाँ जो भी विकास का कार्य होता है उस विकास के कार्य में सहयोगी बने. यदि वो सहयोगी होते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचता है जो विकास से छूट सके. इसलिए ये कार्य विधायक कोष से कराया जा रहा है. मेरे को लगता है कि अच्छी क्वालिटी की सड़क बनेगी और लोगों को भी अच्छा महसूस होगा कि उनके बाहर एक सुंदर सुव्यवस्थित सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होगा. उनको मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देती हूँ.